ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මා ධම්මපද ගාථා කථා නම්බර් 80 या 80। ये कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 साल के बच्चे की अर्हत बनने की है। पूरा जीवन निकल जाता है व्यक्ति को मेहनत करते करते, अर्हत नहीं बन पाता। अर्हत वो हाईएस्ट डिग्री है धम्म की, जो भगवान बुद्ध में जब सिखाते थे तो जो एक भिक्कू या जो एक भिक्कुनी सबसे लास्ट में जाके उसको प्राप्त करते थे, यानी जीते जी दुखों से मुक्ति और परम सुख और परम आनंद जो निर्वाण में होता था, निर्वाण होता था, उसको अर्हत बोलते हैं। 7 साल का बच्चा भी अगर अच्छा काम करे तो वो अर्हत हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। ये कहानी की प्रेरणा है। एक 7 साल का बच्चा सारिपुत्र का शिष्य बन गया। उसमें अद्भुत प्रतिभा थी, बड़ा धीर था, बड़ा गंभीर था। 7 साल का बच्चा आप समझ सकते हैं कि 5 साल का बच्चा तो भारत के अंदर पहली क्लास में होता है, तीसरी क्लास का बच्चा आप उसे समझे आज के हिसाब से। वो सामनेर बना। सामनेर बनने के बाद वो चारिका करने के लिए सारिपुत्र के साथ गया। चारिका तो सबको करनी है, यानी खाना पिंड पिंड तो सबको लेके आना है। पिंड का मतलब भोजन होता है। पिंडी जो बोलते हैं वो लड्डू को बोलते हैं पिंडी, यानी उस समय लड्डू जैसा खाना बना के खाते थे, चावल जैसे आज के समय भी बिहार में हाथ से चावल को लड्डू बना के खाते हैं या साउथ के अंदर खाते हैं, वैसे ही पिंडी बोलते थे या पिंडपात। तो वो पिंडपात के लिए, पिंडचारिका के लिए खाना लेने के लिए, भोजन लेने के लिए और लोगों को धम्म से खाने के लिए, क्योंकि पहले धम्म से खाएंगे तब बाद में खाना लेंगे, ये नियम है। तो वो जाता है तो रास्ते में देखता है कि एक जगह एक कसक यानी किसान वहां पर अपने क्षेत्र की या खेत की, खेत को क्षेत्र बोलते हैं, सिंचाई कर रहा है, पानी दे रहा है। तो पानी एक जगह से आ रहा है और वहीं पर ठहरा हुआ है। वो जो सामने रहे वो पूछता है सारिपुत्र से, भंते क्या ये पानी खेत में सब जगह पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंचेगा? तो सारिपुत्र कहते हैं कि ये जो कसक है ये इसके लिए नाली बनाएगा और नाली बनाकर इस पानी को रास्ता देगा और जहां चाहेगा वहां पहुंचा देगा। मेड़ बनाएगा, नाली बनाएगा, नाली का बनाएगा या नेत्ती का बनाएगा। नेत्ती का बोलते हैं जो सिंचाई के लिए उस समय बोला जाता था। सत आगे वो चलता है तो आगे उसको एक जगह एक तीर बनाने वाला मिलता है, जो तीर बन, क्योंकि तीर से शिकार किया जाता है और तीर बांस के बनते थे उस समय। बांस को सीधा किया जाता था आग पर सेक सेक कर, उसको नुकीला आगे से किया जाता था या कोई नुकीली चीज या कोई नुकीला सामान उस पर लगाया जाता था। तो वो उस टेढ़े जो बांस थे उनको गर्म कर करके सीधा कर रहा था। तो वो जो सामने रहे वो पूछता है कि ये बाणों को क्या सीधा कर देगा? तो सारिपुत्र कहते हैं कि ये इस बांस को जिस दिशा में चाहे उसमें मोड़ सकता है। थोड़ी सी इसको ताप देना पड़ेगा, गर्मी देनी पड़ेगी, गर्मी देने के बाद में इसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, एक दिशा देनी पड़ेगी और ये बांस जहां चाहेगा वहां स्थिर हो जाएगा, उसके हिसाब से ये तीर बनाएगा। आगे जब वो चारिका के चलते हैं तो देखते हैं कि एक जो तक्षका है, तक्षका उसको बोलते हैं जो तक्षति करता है, तक्षत मतलब छीलता है, तक्षका का मतलब छीलने वाला, यानी कि बढ़ई कारपेंटर। तो तक्षका मिलता है, वो देखता है कि तक्षका एक लकड़ी को छीलकर पेड़ की और उसको गोल पहिए जैसा बना रहा है। लकड़ी के पहिए उस समय होते थे जो गाड़ियों में लगते थे। तो वो पूछता है कि भंते क्या ये इस सीधी लकड़ी को गोल करके बना देगा? तो सारिपुत्र कहते हैं कि ये उसको छील छील कर जैसी चाहे वैसी आकृति दे सकता है, गोल भी बना देगा। ये तीनों उदाहरण देखने के बाद में जो वो बच्चा है वो वापस आता है जो सामनेर है और उसे ये समझ में आ जाता है कि जब हम ऐसी चीजों को जिनमें चेतना नहीं है, जिनमें जान नहीं है, उनको सीधा कर सकते हैं मेहनत कर कर, ताप देकर, छील कर या जो फावड़ा है हमारा उससे रास्ता बनाकर, तो हम इस चेतना वाले मन को तो बहुत आसानी से सीधा कर सकते हैं। ये हमारी चाल पे चलेगा, हमारे मन के मुताबिक चलेगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारे मन माफिक चलेगा। ऐसा सोचकर वो अपनी जो इच्छा है वो सारिपुत्र को कहता है कि मैं साधना में दृढ़ता से बैठना चाहता हूं। सारिपुत्र चूंकि अर्हत हैं और एक अर्हत जो अर्हत फलगामी होता है, यानी कि अर्हत फल को प्राप्त करने की स्थिति में होता है, उसको भांप सकता है,
उसको देख सकता है कि इसकी स्थिति क्या है। ये ठीक ऐसी है जैसे कोई आदमी जिस एक्सपीरियंस से गुजर जाता है उसकी सारी अवस्था स्टेज देखता है, तो वो दूसरे की स्थिति देख के बता देता है कि अब ये किस अवस्था में है, इसकी मनोस्थिति क्या है। सारी पुत्र समझ जाते हैं कि अब ये अर्थ होने वाला है, तो वो कुटी में जहां साधना के लिए दृढ़ता से बैठता है वहां खाद्य सामग्री इकट्ठे करते हैं और कुटी के बाहर बैठ जाते हैं ताकि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, कोई वहां विघ्न ना पहुंचाए, ना ही कोई वहां खलल डाले। और वो जो सामने रहे बच्चा वो अर्थ होके वहां से निकलता है और अर्थ हो जाता है। अब वो बाल नहीं है, बच्चा नहीं है, वो अर्थ है, भिक्कु है। ये 7 साल के बच्चे की एक अद्भुत कहानी है। इससे ये पता चलता है कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। एक 90 साल का बच्चा भी अज्ञानी हो सकता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, और एक 7 साल का बच्चा भी ज्ञान से लबालब भरा हो सकता है। विद्वान की, ज्ञानी की और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने संघ के अंदर उम्र के हिसाब से व्यक्ति को नहीं माना। जब उसने ज्ञान हासिल करने के लिए आ गया तब से उसकी उम्र काउंट होनी शुरू हुई। 80 साल का अगर बूढ़ा आज आया है और 7 साल का बच्चा अगर 2 दिन पहले आया है तो 7 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का सीनियर होगा, उसका बड़ा होगा, और 80 साल के बूढ़े को 7 साल के बच्चे को या उम्र में जो भिक्कू है उसको नमस्कार करना पड़ेगा। यानी उम्र जो है वो विद्वता से, पढ़ाई से, और जब पढ़ाई आरंभ किए तब से मानी जाती थी। भगवान बुद्ध ने जब ये पता किया कि वो अर्थ हो गया है बच्चा, तो उन्होंने सारिपुत्र की और उसकी सामनेर की बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की। भिक्कु संघ में चर्चा चली कि देखो ज्ञान जो प्राप्त होता है वो उम्र के हिसाब से नहीं होता, ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान मेहनत के ऊपर है कि मेहनत कब की है और आप में लगन कब आई है, आपने सीखा कब है। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो गाथा नंबर 80 है, इस प्रकार से उदकंग ही नयंती नेत्तिका उसुकारा नमयंती तेजनंग दारुंग नमयंती तच्छका अत्तानंग दमयंती पंडिता। ये पंडित वक की कहानी है, कथा है और गाता है। उदकंग ही नयंती नेत्तिका, उदकंग ही माने पानी जैसा, नयंती माने बहता है या मार्ग दिखाता है या ले जाता है, नेत्तिका माने होता है सिंचाई करने वाली नाली। यानी सिंचाई करने वाली जो नाली है वो पानी को जिधर चाहे उधर ले जा सकती है, जिधर चाहे उधर मार्ग बना सकती है। उसुकारा नमयंती तेजनंग, उसुकारे माने होता है बाण या तीर, और नमयंती माने होता है नम्न करता है या सीधा करता है या झुकाता है। नम करना यानी कि नमना। तेजंग माने होता है बाण, यानी कि वो बाण को बाण बनाने वाला जिधर चाहे उधर झुका सकता है, सीधा कर सकता है। दारुंग नमयंती तच्छका, दारू जो होता है वो होता है लकड़ी को बोलते हैं। दारुंग माने हो गया लकड़ी को, नमयंती माने झुकाता है या सीधा करता है, और तच्छका माने छीलने वाला यानी बढ़ई, यानी लकड़ी को जैसे चाहे वैसे वो मोड़ सकता है। अत्तानंग दमयंती पंडिता, ऐसे ही जो जानकार है, जो समझदार है, जो ज्ञानवान है, जिसको पंडित बोलते हैं, वो अपने आप को दमयंती कर सकता है, दमन कर सकता है, संयत कर सकता है, अपने आप को सुधार सकता है। ये है कथा गाथा नंबर 80। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
शांति धम्मं सर्वं गच्छामि दूतियंपि संघं शरणं गच्छामि चर विरमणि सिक्का पदं स्मादयामि कामेषु मिच्छ चर विरमणि सिक्का।